हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत सारे कलाकार आते हैं एक्टिंग करने के लिए, लेकिन कुछ कलाकार चमक पाते हैं तो कुछ कलाकार बिखर जाते हैं। और इन्हीं चीज़ों को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ मेरे वीडियोज़ को लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में 90s के दशक में बंगाल द टाइगर के नाम से फेमस मिथुन चक्रवर्ती, जो कि अपनी एक्टिंग और डांसिंग के बदौलत दर्शकों के दिल में एक नया पैगाम हासिल कर लिए थे। उन्हीं के दो बेटे, जो कि सबसे बड़े बेटे महा अक्षय चक्रवर्ती, जिन्हें कुछ लोग विमोद चक्रवर्ती भी कहते हैं, उनके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में इनके दो बेटे विमोद चक्रवर्ती और नामसी चक्रवर्ती हैं। नामसी चक्रवर्ती ने अपनी पहली फिल्म बैड बॉय से दर्शकों के दिल में काफ़ी प्यार और उत्साह का जगह बना लिया है, लेकिन इनके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विमोद चक्रवर्ती भी पीछे नहीं है। विमोद चक्रवर्ती एक ऐसी वेब सीरीज लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है रिवॉल्यूशन सीजन फर्स्ट, पढ़ाई की लड़ाई, जिसका शूटिंग 11वें महीने में स्टार्ट कर दी गई है, जो कि काफ़ी ज़बरदस्त वेब सीरीज है। विमोद चक्रवर्ती इससे पहले कई सारे मूवीज़ भी दिए हैं, जो कि काफ़ी अपार सफलता उस मूवीज़ को मिला, बॉक्स ऑफिस पर ज़बरदस्त उसका कलेक्शन रहा। लेकिन विमोद चक्रवर्ती आजकल इतना ज़्यादा बिजी रह रहे हैं कि कभी वेब सीरीज तो कभी मूवीज़ की शूटिंग कर रहे हैं। फिलहाल मैं आपको बताना चाहता हूं कि विमोद चक्रवर्ती वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे हैं, और वेब सीरीज छोटी बड़ी नहीं होती है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो वेब सीरीज़ की शूटिंग हो रही है काफ़ी ज़बरदस्त, जो कि रिवॉल्यूशन सीजन फर्स्ट सुनने में ही लग रहा है कि किस तरह का वेब सीरीज होगा। पढ़ाई की लड़ाई, रिवॉल्यूशन सीजन फर्स्ट पढ़ाई की लड़ाई, इसमें आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से रिवॉल्यूशन की आगाम होती है, पैगाम बनाने के लिए कुछ लोग क्या करते हैं रिवॉल्यूशन के माध्यम से, जो कि एक कंटिनेंट यानी कि कंट्री से रिलेटेड नहीं है, ये हमारे पढ़ाई से रिलेटेड है। दो जुगलबंदी दोस्तों के बारे में इस वेब सीरीज़ में दिखाया जाएगा। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विमोद चक्रवर्ती ने पहली फिल्म जो उनकी आई, उनकी काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस नहीं मिल पाया था, तो कुछ दिनों तक विमोद चक्रवर्ती बॉलीवुड इंडस्ट्री छोड़ दिए थे। लेकिन फ़िलहाल विमोद चक्रवर्ती रोज जैसे सुपरहिट मूवीज़ देने के बाद लगातार मूवीज़ और वेब सीरीज़ की लाइन लगाए हुए हैं। दर्शकों को अब विमोद चक्रवर्ती काफ़ी पसंद आने लगे हैं, क्योंकि विमोद चक्रवर्ती आजकल इतनी ज़बरदस्त स्ट्रगल कर रहे हैं कि दर्शक भी इनकी स्ट्रगल देखकर काफ़ी उत्साहित हैं। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विमोद चक्रवर्ती के छोटे बेटे नामसी चक्रवर्ती भी काफ़ी स्ट्रगल करने के बाद बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखे हैं और पहली फिल्म बैड बॉय दिए, और बैड बॉय को काफ़ी दर्शकों ने प्यार और आशीर्वाद दिया। यही नहीं, बैड बॉय की इतनी ज़बरदस्त रिस्पांस मिली कि बड़े बड़े दिग्गज के मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे नहीं टिक पाया। लेकिन फिलहाल आज हम लोग बात करने वाले हैं विमोद चक्रवर्ती के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विमोद चक्रवर्ती की फिल्म रोज को अपार सफलता के बाद विमोद चक्रवर्ती लगातार मूवीज़ और वेब सीरीज में लगे हुए हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द विमोद चक्रवर्ती की एक वेब सीरीज जिसका नाम है रिवॉल्यूशन सीजन फर्स्ट पढ़ाई की लड़ाई, जो कि बहुत जल्द आप लोगों के बीच अमेजन प्राइम पे दिखाया जाएगा। रिवॉल्यूशन सीजन फर्स्ट काफ़ी ज़बरदस्त वेब सीरीज है। दोस्तों सबसे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जितने भी चक्रवर्ती परिवार के रियल फैंस हैं वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपको बता दूंगा कि आज मैंने आपको विमोद चक्रवर्ती के वेब सीरीज के बारे में बताया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि विमोद चक्रवर्ती की कौन सी मूवीज़ आने वाली है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। फिलहाल आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको विमोद चक्रवर्ती की पहले वाली फिल्म रोज कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा।